सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वॉर ऐसा लग रहा है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? व्हाट इज द स्ट्रेटजी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुमित आजकल कमाल कर रहे हैं, इतना इस तरह से जिस तरह से सुमित आपको आपके चैनल को कवर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट सुमित ऑन माय बिहाफ। शो सर। दूसरी बात, जो लड़ाई के आप सीन, लड़ाई के जो आप सीन्स दिखा रहे हैं और जिस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। अब जो अफगान फोर्सेस हैं वो लगता है कि शायद सदर्न साइड की तरफ फेस कर रही हैं और तालिबान वहाँ से नॉर्थ को फेस कर रहा है, यानी कि दी बैटल इज़ गोइंग ऑन बिटवीन साउथ ऑफ साउथ विच इज़ अलकायदा एंड नॉर्थ विच इज़ काबुल फोर्सेस। तो इसका क्या माने निकल रहा है? इसका माने ये निकल रहा है कि क्या पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो तालिबान का बॉर्डर है क्या? राइट, यही मेरा सवाल है। क्वाइट सरप्राइज। अब ये वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ये लग रहा है कि शायद इट इज़ अ वॉर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कि अलकायदा इसको और तालिबान इसको पाकिस्तान बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक द अफगान गवर्नमेंट सीम्स टू हैव अंडरस्टूड द रोल बीइंग प्लेड बाय पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। तो इस वजह से अब वो इसकी तरफ देख रहे हैं और जो भी वहाँ पर तालिबान हैं उनको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो पिक्चरें दिखाई अफगान आर्मी की, वो लग रहा है कि मोराल उनका काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी तजवीज़ से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेजर इशू उभर के जो आता है वो ये है कि पाकिस्तान को इस तरह से इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? सर, आप ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट, और मैं इसके बारे में कई खुलासे करने जा रहा हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। लेकिन जल साहब, आपने कहा सुमित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडीड, बट वी सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल लाइक यू। आप लोगों ने जो नींव हमारे लिए खड़ी की है, वी सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल लाइक यू। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।